हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 3.34। इसमें दिया है एक यूनिफॉर्मली चार डिस्क है जिस पर चार डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, उसके वजह से एज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ऐसी कुछ डिस्क नज़र आएगी, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, मुझे पोटेंशियल बताना है। खुद आप देखिए, यहाँ पर जितने चार्ज होंगे इस जगह से किसी डिस्टेंस पर होंगे, उसके बाद पोटेंशियल कुछ और होगा, इस वाली स्ट्रिप की वजह से कुछ और पोटेंशियल होगा, इस वाली चार्ज की वजह से कुछ और पोटेंशियल होगा। मतलब इसको मैं फाइन स्ट्रिप ऐसा मान लूं और इनकी वजह से पोटेंशियल निकालते चले जाऊं तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इसके लिए हमने किया क्या है, इस जगह को सेंटर लेके हम बोलते हैं कि ये आर डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लें। फिर हम क्या करें, इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सॉल्व कर लें। मतलब थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे रहेगा, ऐसे से लेके ऐसे तक, मतलब 0 से लेके 90 तक के लिए सॉल्व कर लें तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्या है, इस स्ट्रिप को लेना और इसकी वजह से एरिया लेना। तो आप देखो, ये जो आर होगा पहले, तो ये क्या होगा, ये आर चेंज होता रहेगा। पहले शुरुआत में जब थीटा 0 रहेगा तो ये आर 2R के बराबर रहेगा, जैसे जैसे हम यहाँ जाते चले जाएंगे ये आर 0 होता चला जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें पता है अगर कोई सर्किल है तो उस सर्किल पे किसी कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो जो कि ये आर है, तो उस कॉर्ड की लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 2R जो कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये थीटा तो ये बेस, तो ये r इज इक्वल टू 2r cos थीटा हो जाएगा। मुझे इस स्ट्रिप का एरिया पता करना है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस स्ट्रिप की पहले लेंथ निकालें। और देखो ये स्ट्रिप क्या है, इस जगह पे कुछ और रहेगी, 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 तो इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dr, क्योंकि ये r चेंज हो रहा है उसी हिसाब से ये dr थिकनेस की स्ट्रिप होगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखेंगे, स्ट्रिप की लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो ये हो जाएगी 2r थीटा। तो स्ट्रिप की लेंथ क्या है, 2r थीटा, जो कि यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये देखो 2r थीटा स्ट्रिप की लेंथ हो गई, और विड्थ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया dr, तो क्या बन गया, एरिया बन गया। तो ये स्ट्रिप का एरिया बन गया। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, ये dr कैसे लिखें, इस r का dr कैसे लिखें। तो r हमें पता था, अगर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इस वाले फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dr आ जाएगा। dr की वैल्यू क्या आएगी, -2r cos का डिफ्रेंशिएशन sin थीटा d थीटा। माइनस क्यों आया, अगर आप नोटिस करो पहले जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये r की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। सो थीटा इंक्रीज कर रहा है, r डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एक नेगेटिव आएगा। तो अब मैं अगर इस एरिया को सही से लिखूं तो 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया, ये माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर r की वैल्यू हमने लिख दी 2r cos थीटा और dr की वैल्यू हमने लिख दी ये वाली। सो d हमारा इतना आ गया। अगर मैं बोलूं इस स्ट्रिप पे चार्ज कितना है, तो इस स्ट्रिप पे चार्ज होगा dq, और इस dq की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। इस पे चार्ज आएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, तो यहाँ चार्ज क्या लिख दिया, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, 2 to 4 to 8, और एक माइनस ये सिग्मा लिख दिया हमने, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब स्ट्रिप के वजह से, जो स्ट्रिप इस जगह पे है, इस पे चार्ज dq है, और ये स्ट्रिप यहाँ से तो इक्वी डिस्टेंस है ना हर जगह, तो ये डिस्टेंस इसकी थीटा ही नजर आएगी, स्क्वाड की लेंथ जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r डिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा इसके वजह से पोटेंशियल, dq 4πε0r, क्यों, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रिप जो कि इक्वल डिस्टेंस पर, तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या आएगी, dq डिवाइड बाई 4πε0r, इस स्मॉल r की वैल्यू रखी जाएगी, इस स्मॉल r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2r cos थीटा। तो देखो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ r बचेगा, एक 2 से और ये 2 4 to 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा चला जाएगा, एक cos से cos चला जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा थीटा और d थीटा, थीटा sin थीटा d थीटा बचा, और यहाँ क्या बच गया, r, और ये क्या रह गया, सिग्मा। तो इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है मुझे बेसिकली। अगर मैं थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल इस जगह मिल जाएगा। तो मैंने थीटा साइन थीटा को 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट किया है, तो मैं पता है कैसे इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन को, यू और वी, इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिग्मा आर पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल मिलेगा एज पर यहां पर, क्लियर।